पहले मैं अपना नाम को बताएगा। मेरा नाम तनिया जून, प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल आरके एक्टिविस्ट एसोसिएशन, और मेरा ये राइट साइड में ये अबोंग एम्पो जनरल सेक्रेटरी, और ये आप लोग का ये चैनल का मैडम से ये डीएमके न्यूज़ को आप लोग को भी थैंक यू, और आप लोग मेरा पास में आया है। और हम जो आज ये उस दिन 8 अगस्त को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला था उसको ही हम ये बता देगा, और उसमें हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता था कि उसमें 0 DC को हम लोग कंप्लेन एक ये लिखा था बैंक कॉलोनी हापोली में ये वाटर टैंक एक ये पानी टैंकी को ये इंक्रोचमेंट किया वाला लोग को उसका नाम को भी पूरा लगा कि हम लोग ये कंप्लेन किया था। उसका जो ये 4 आदमी था और नाम को भी हम बता देगा, यहाँ में श्री यशांत अचो और दुयु तायु, उसका बाद सुबू काची, और उसका बाद में आपका ये सुबू ताबिन, उन लोग जो 4 आदमी जो ये इलीगल इंक्रोचमेंट करके रखा है, इसलिए उसको हम डीसी को ये लिखा है कि उसको इमीडिएट इंक्वायरी करके जो इलीगल किया वाला को उसको एविक्शन करने के लिए हम यही कंप्लेन किया था, और पीएचई डिपार्टमेंट को भी हम कंप्लेन को दिया था, और उससे कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं था। 1 मंथ होने का बाद में फिर चीफ सेक्रेटरी को हम लिखा है, और चीफ सेक्रेटरी को लिखा है उसका बाद फिर सीएम को भी कॉपी को दिया है, गवर्नर को भी दिया है, और उसमें भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। उसमें भी 1 महीना हो गया, अभी 2 महीना हो रहा है, और उसका बाद इतना इलीगल इंक्रोचमेंट करके उन लोग जो पूरा ये रिटर्निंग वॉल और सब पूरा क्या क्या बाउंड्री वॉल बना के कीवी पूरा डाल के, और पानी टंकी रास्ता भी नहीं है, घुसने का भी जगह नहीं है, इसलिए ये ठीक नहीं है बोलकर हम लोग जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम लोग जो ये कंप्लेन दिया है, और आज तक कुछ रिजल्ट नहीं है, इसलिए हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था। और आज यही हम जो स्टेट गवर्नमेंट को आज ये मेरा रिक्वेस्ट है पेमा खांडू सर को, उसका इमीडिएट इंक्वायरी एक अब बिताना है, और सच में इंक्रेज किया है ना नहीं किया है, और आप लोग एक ये कमिटी गठन करके एक आप लोग बिताना है, और उसमें सच में इंक्रोचमेंट है तो उसको इमीडिएट एविक्शन ऑर्डर निकाल के उसको एविक्शन कर देने से ठीक है, और यही है मेरा रिक्वेस्ट है। और हम जो 15 डेज का अल्टीमेट दिया था और ये स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 डेज में आप लोग कुछ एक्शन नहीं लेता है तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा ना या कोर्ट में जाएगा, एग्जीक्यूटिव मेंबर हम लोग डिस्कस करके ये करेगा। और उसका बाद आज हम यही बार बार मेरा ये रिक्वेस्ट है, और उसको इमीडिएट आप लोग इंक्वायरी बता के, और साथ में हम लोग को टीम को भी उसमें साथ में जाने दीजिए, और आप लोग जिसको भेजेगा हम लोग भी जाएगा, और उसमें कहाँ कहाँ में इंक्रोचमेंट किया है हम लोग भी देखा देगा, और साथ में हम लोग चलेगा, और आप लोग स्टेट गवर्नमेंट आप लोग भी साथ में आदमी को भेज दीजिए। थैंक यू सर। रिसेंटली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि आपने आरटीआई किया लैंड अलॉटमेंट के ऊपर, पर आपने बोला कि लैंड अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुआ कंसर्न पर्सन से, बट एज पर दिस सोर्स ऐसे सुनने में आया है कि अरुणाचल टाइम्स को सुबू तामिन ने बोला कि उसके पास सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, तो उसका ऊपर आप कुछ। हाँ, वो लैंड एलोमेंट का बारे में बोलने से लैंड एलोमेंट उसका है ना नहीं है उसको तो हम मालूम नहीं है, लेकिन मेरा जो देखा है हम लोग का जो टीम जो देखा है उसमें गवर्नमेंट का ज़मीन को उन लोग इंक्रोचमेंट किया है, ये क्यों किया है बोलकर वही हम लोग कंप्लेन किया है, और गवर्नमेंट का लैंड को कोई लैंड एलोमेंट दिया भी है तो आपका ये जो स्केच में बनाया मंडल लोग फंसेगा,
और डीसी पसेगा और जो जो उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होके लैंड एलोमेंट दिया वो सब पसेगा, उसको भी हम लोग इंक्वायरी करेगा। सर जैसे कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाला और ये सर सुबीत अमीन का डायरेक्टर सर का उसका ब्रीफिंग में कुछ कंट्राडिक्ट हो रहे हैं, अगर इसका ऊपर अगर आपको एलिगेशन लगा के डिफेमेशन फाइल कर देने से आप क्या करेगा, इसका रिएक्शन आपका? हाँ उसको तो हम मालूम नहीं है, वो उन लोग जो केस करो या ना करो उसका ले हम कुछ नहीं है, हम करो बोल कर भी नहीं बोलेगा और मत करो भी नहीं बोलेगा, वो तो उसका ऊपर में है और हम भी अपना राइट में हम लोग लाग रहा है और उसका ले राइट है तो अपना हिसाब में भी वो करेगा होगा, उसके हम मेरा तरफ से उसका ले कुछ ये नहीं है। हाँ सर आप हम लोग मीडिया को कुछ डॉक्यूमेंट दिखा सकेगा, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो? हाँ डॉक्यूमेंट जो ये जो चीफ सेक्रेटरी और ये जीरो डीसी को कंप्लेन लिखा वाला उसको आप लोग को हम दे देगा और उसका बाद और यहाँ में और एडिशन एक हम बोल देगा, ये जो विवेक बिहार का है लैंड एलोमेंट का लीज है और यहाँ में देखा है तो यहाँ में भी सुबुताबिन का दो तो लैंड एलोमेंट का लीज है यहाँ में ना, और ये जो डायरेक्टर सुबुताबिन और अभी सुनने में आया है उसका अभी हम लोग जहाँ कंप्लेन कर रहे हैं उसमें भी कुछ लैंड एलोमेंट का है बोलकर ऐसे बोल रहा है, लेकिन और अभी ये सब करने से तीन होगा और ऐसे एक डायरेक्टर को तीन तो लैंड एलोमेंट देने के लिए गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइन में है ना नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उसको भी इंक्वायरी करना है, लेकिन जीरो का जो लैंड एलोमेंट जितना डिस्ट्रिक्ट का हम लैंड एलोमेंट का आरटीए फाइल किया है उसको अभी तक हम नहीं मिला है, कल हम लोग ये कमिश्नर कोर्ट में हियरिंग था उसका बाद वन वीक का अंदर में कागज़ को देने के लिए बोला है, उसमें निकल जाएगा तो तब पता चलेगा और कितना लैंड एलोमेंट है जीरो में उसका है और पता चलेगा, उसका साथ कैपिटल में जितना लैंड एलोमेंट है उसको हम आरटीआई फाइल करके ये कैपिटल अंदर का हम पूरा लैंड एलोमेंट का लीज को निकाला है अभी, और उसका बाद में और ये जो सुबुताबिन जो उसका लैंड एलोमेंट अभी विवेक बिहार में उसका दो तो हमको ये लिस्ट में दिखाई दे रहा है, ये डॉक्यूमेंट बात कर रहा है हम तैयार जो हम बात नहीं कर रहा है, ये यूनियन बात नहीं कर रहा है, हम लोग डॉक्यूमेंट में बात कर रहा है, और उसका बाद ये लैंड एलोमेंट उसका स्केच मैप को भी अभी हम लोग डिटेल को अभी हम लोग पूरा निकालेगा, डिटेल को हमको नहीं दिया वो भी कमिश्नर कोर्ट में है, ये कैपिटल डीसी को डीसी और उसको हम लोग कमिश्नर कोर्ट में ये केस डाला था और अभी हियरिंग में भी चल रहा है और वो भी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, और उसका बाद हम लोग ये भी छानबीन करेगा कि ये लैंड एलोमेंट में उसका जो बिल्डिंग बनाए ना ज़मीन खाली है वो भी हम लोग यूनियन तरफ हम लोग ये इंक्वायरी करेगा, और अभी एंडिंग नहीं होगा और ये हम लोग का जो शुरुआत है ये पानी टैंकी का इंक्रोचमेंट का और हम लोग कंटिन्यू ये चलते रहेगा, और ये सिर्फ नहीं होगा और एक एडिशन जितना भी यहाँ में दिखाई दिया है कि पूरा ऑफिसर लोग का नाम भी दिखाई दे रहा है लैंड एलोमेंट लीज में और अरुणाचल का जितना ऑफिसर लोग का वो उसका भी पूरा डबल दिखाई दे रहा है, और ये लोग का भी हम लोग इंक्वायरी बाद में करेगा स्टेप बाई स्टेप करके जाएगा, और सच में बोलने से आज का दिन में हम लोग का अरुणाचल में जितना भी ये बिल्डिंग बनाया वो सब ऑफिसर लोग का है, जितना भी हर कोना में जाओ ये किसका पूछने से नहीं उसका ये जेई का है ये एई का है ये एग्जीक्यूटिव का है ये डायरेक्टर का है यही बोलता है, कोई आम आदमी का है ही नहीं है, जितना भी लैंड इंक्रोचमेंट किया है वो भी उन एम्प्लॉय वाला लोग है ऑफिसर लोग है क्वार्टर को ये इंक्रोचमेंट करने वाला कौन पब्लिक या में कोई इंक्रोचमेंट किया है कोई किया ही नहीं है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग छानबीन करना शुरू होगा, जितना प्रॉपर्टी बनाने वाला उसको हम लोग छानबीन करना शुरू होगा। थैंक यू सर। और लास्ट क्वेश्चन सर, आपका ये ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन जो रिसेंटली एस्टैब्लिश हुआ है 2022 में, तो इसी सर का लोग सर भी वो एनफोर्समेंट का ऊपर ही कर रहे हैं ना आईसीआर रीजन में, तो उसका आप क्या टाई अप करके कुछ करने का इरादा है ना कुछ? हाँ ये तलोपुतुम सर जो ये कैपिटल डीसी जो उसका ऐसे तो हम लोग टाई अप तो नहीं है, और वो जो कर रहा है वो तो अच्छा है हम लोग तो साथ दे रहे हैं उसको, और सच में वो करना शुरू होगा तो हम लोग तो सपोर्ट करेगा,
लेकिन आज तक तो नहीं किया है, वो बोला तो है लेकिन वो सब करने से अच्छा है मेरा तरफ से ना। और एक तरफ देखने से जितना भी ये बिल्डिंग है मैक्सिमम ऑफिसर लोग का है, बिल्डिंग को पूरा कैपिटल का तोड़ेगा तो ये पूरा खाली हो जाएगा और नेचुरल में इकोनॉमी भी डाउन होगा। सच में बिल्डिंग को तोड़ता भी है तो उसका गवर्नमेंट कुछ एक उपाय करने से ठीक है, या उसका घर को या कुछ उन लोग बनाए तो उसका कॉम्पेंसेट करके पेमेंट करा के, या गवर्नमेंट लोग वो घर को लेके और उसको ये क्वार्टर हिसाब में उन लोग को देने के लिए ऐसे कुछ गवर्नमेंट लोग करने से ठीक है। डायरेक्टली नहीं तोड़ने से भी अच्छा है एक तरफ वो भी है, और डायरेक्ट तोड़ेगा भी तो बहुत इकोनॉमिक डाउन होगा, कैपिटल डायरेक्ट सुनसान होगा। और जितना यहाँ में बिल्डिंग बनाए पूरा इनक्रोच वाला है, लैंड एलोमेंट जितना ये लिस्ट में देखा है ना, ये लिस्ट में देखा है तो पूरा ये क्वार्टर का बगल में बनाए वाला है, किसी का क्वार्टर को तोड़ दिया ऐसे वाला है यहाँ में। और यहाँ में कोई आम आदमी का इतना हमको दिखाई नहीं दिया, एक दो 1% हो सकता है कि या आपका कॉन्ट्रेक्टर लोग का वो घर लोग एक दो हाँ कुछ हो सकता है, वो मैक्सिमम तो किसका है, सब लोग नौकरी वाला लोग का है, कुछ यहाँ में आम आदमी का है ही नहीं है। जितना भी अभी क्वार्टर में जो बेच रहा है, और आप लोग भी सही सलाह में क्वार्टर को रहने देने से ठीक है। आप लोग ऐसे इंक्रोचमेंट करके तोड़ते रहेगा तो आने वाला दिन में कहाँ में बैठेगा, बैठने का जगह ही नहीं होगा, रेंट हाउस भी नहीं मिलता है। रेंट हाउस का भी इतना हाई फाई, ये फैमिली का आपका 15,000 हो जाता है, सिक्योरिटी में आपका इतना हाई फाई मांगता है, ऐसे होने से एम्प्लॉय वाला का भी तो तकलीफ है ना, कल को प्यून बेचने वाला चौकीदार ये सब लोग कल को तकलीफ होगा ना। ऑफिसर लोग तो जैसे तैसे, बड़ा लोग तो एक क्लास लोग मैनेज कर सकता है, और चौथा वाला लोग रेगुलर लोग क्या करेगा, आप लोग घर बारह में दे देगा तो क्या क्या कहेगा, वो खाने के लिए नहीं होगा। इसलिए हम यही कि जितना भी अरुणाचल वाला, अरुणाचल का जितना भी आप लोग ये न्यूज अभी देख रहा है, आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ क्वार्टर को जहाँ में बेच रहा है अपना घर ये सोच के अच्छा से आप लोग बोलता है मेंटेनेंस करके ये बेचना है। और एक तरफ ये भी है, सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है जितना भी अरुणाचल में क्वार्टर है उसका आप लोग मेंटेनेंस का कुछ पान निकालने से अच्छा है। कुछ कुछ घर जो मेंटेनेंस ही नहीं है वो पूरा सर के गिर रहा है, और कोई लोग को पूछने से क्यों ये धोता है ऐसे बोलने से घर खुद ही गिर गया बोलता है, कोई मेंटेनेंस नहीं है बोलता है, उसका भी आप लोग थोड़ा ध्यान देने से अच्छा है। सिर्फ ये कोई क्वार्टर इंक्रोच या तोड़ फोड़ करने वाला को सिर्फ गलती ये लगाने से नहीं होगा, थोड़ा मेंटेनेंस करने के लिए भी आप लोग ये करना है, और मेंटेनेंस करता ही नहीं है, और मेंटेनेंस भी कोई कोई मेंटेनेंस भी ये दे देता है, और देता है तो थोड़ा मोड़ा पेंट करके छोड़ देता है, कम से कम खराब वाला को निकाल के अच्छा से बनाना है, ऐसे बनाता ही नहीं है। और एक तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, फिर ये हापोली बैंक कॉलोनी का जो पानी टैंकिंग का बारे में, पानी टैंकिंग जो पानी जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, बिना पानी से तो कोई नहीं रह सकेगा। जीरो का बैंक कॉलोनी का वो पानी टैंकिंग जो वो उसमें मेन टैंकिंग है, उससे ये हापोली आधा पार्ट वो पूरा चला जाता है पानी, कम से कम 6-7,000 आदमी लोग उसे पीता है। वो जो हापोली आदमी सिर्फ 01 का सिर्फ आपातनी लोग सिर्फ नहीं पीता है, उसमें निसंग लोग भी पीता है, नॉन ट्राइबल जितना भी टूरिस्ट प्लेस लोग भी आता है बाहर से, ऑल इंडिया सब लोग पानी उसको पीता है। इसलिए मेरा यही है कि उसको इंक्रोचमेंट किया वाला को उसको एविक्शन करके हटा दो, उसको फ्रीली उसको पानी को अच्छा से इन फ्यूचर में और बड़ा बनाएगा तो, और ज़मीन खाली होगा तो और बड़ा बना सकता है। और वो चौथा टैंकी है, चौथा को पूरा राउंड करके रख दिया और कहाँ में बनाएगा, वो तो जाते जाते बाद में ये लोग इंक्रोच करने वाला लोग तो तोड़ फोड़ कर देगा, ऐसे होने से हापोली टाउन कहाँ से पानी पिएगा। वो सब हम लोग फ्यूचर के लिए देख के हम लोग बोल रहे हैं, और हम लोग अच्छा के लिए बोल रहे हैं, तो कोई लोग जो नेगेटिव में सोचता है वो ऐसे करना हम लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि ये पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ को होने से वो अलग बात है, ये पानी के लिए तो उसको तो सरकार भी देखना है, डीसी भी देखना चाहिए, जीरो का एग्जीक्यूटिव ये इंजीनियरिंग वो भी देखना चाहिए, और उसमें भी चौकीदार को हम फोन करके देखा है, अब जो किसले उसमें नहीं बैठे क्वार्टर में, बोला क्वार्टर में लेटरिन बाथरूम है नहीं, हम उसमें कैसे बैठेगा।
और उसको एग्जीक्यूटिव को बता दिया तो सर वो लैट्रिन बाथरूम बना दो बोला है। और ये एग्जीक्यूटिव जो बोला है कि नहीं आप खुद बना के बेटो, वो तो रेगुलर भी नहीं है, चौकीदार जो आपका 10-15 हज़ार से वो कैसे पानी टंकी बना सकेगा, लैट्रिन टंकी बना सकेगा। इसलिए वो सब जो लैट्रिन टंकी या सेफ्टी टंकी है उसको भी जीरो का एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग जो आप साइड में देखिए DPR बना के उसका भी अच्छा से बना दो, चौकीदार को उसमें बैठने दो, जितना वो अंदर में वॉल घुसाया उसको आप लोग पूरा एवेक्शन करके या हटा दो, उसमें चौकीदार को फ्रीली उसमें बैठ के पानी को देखभाल करने दो। अभी चौकीदार जो रेंट घर में बैठ रहा है वो अभी हापुली में देखो 2000 से और रेंट घर में 12 आपका 4000 चला जाएगा तो वो क्या कहेगा, कुछ खाने के लिए है ही नहीं है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है उसको हम जो भी अभी आप लोग को बोला है उसको देख के आप लोग काम को इमीडिएट करो बोलकर मेरा यही है। सर जैसे कि आपका एसोसिएशन का मोटो है राइट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, जी आप लैंड एनक्रोचमेंट का ऊपर से करेगा ना और हाँ तो तरह तरह का हाँ ये हम लोग का जो मोटो है राइट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। हम लोग जो ये करप्शन जो इनक्रोचमेंट ये सिर्फ नहीं है और कहीं में भी इलीगल अपॉइंटमेंट जितना भी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस में डायरेक्टर ऑफिस कहाँ कहाँ में इलीगल अपॉइंटमेंट करता है वो सब को भी हम लोग नहीं छोड़ेगा। जब हम लोग का हाथ में डॉक्यूमेंट आएगा ना उसको भी हम लोग इशू उठाएगा और कहीं में भी थोड़ा इलीगल करेगा गवर्नमेंट का जो पब्लिक का प्रॉपर्टी को ये नष्ट करने के लिए करेगा उसको हम लोग नहीं छोड़ेगा, उसको हम लोग लड़ेगा और अपना जान भी देके हम लोग लड़ेगा, यही है।